नमस्ते दोस्तों, आज हम देखेंगे LZW। आपने LZ77 और LZ78 तो देखा ही होगा, तो LZW ये हम लास्ट में क्यों देख रहे हैं? क्योंकि LZ77 और LZ78 का जो डीमेरिट्स है या ड्रॉबैक्स है वो LZW सब ओवरकम कर रहे हैं। तो इफ़िशियंट है क्योंकि जिस इसमें पैटर्न रिपीट नहीं होते रहेंगे तो भी ये बहुत ही इफ़िशियंट है। क्यों तो हम देखेंगे, आपको आगे जाके पता चल जाएगा। तो हमने एक सीक्वेंस कंसिडर किया है HURLY BURLY। तो HURLY BURLY, तो इसमें HURLY B सिर्फ ये लेटर्स है, बाकी वही लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। तो हमने H लिया फर्स्ट, उसको इंडेक्स नंबर 1 दे दिया, U लिया उसको 2 दे दिया, R लिया उसको 3 दे दिया, L उसको 4, Y को 5 और B को 6। तो हम इंडेक्स नंबर असाइन करने के बाद वापस स्टार्टिंग से देखते हैं, तो एच यू को नहीं दिया है, ओके, क्योंकि एच को दे दिया था, तो एच यू को 7 दे दिया। यू आर को, क्योंकि ये कोडिंग टेक्निक में है, एच यू होने के बाद हम यू को वापस कंसिडर करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना होगा। LZW में एच यू होने के बाद यू को वापस कंसिडर करते हैं, क्योंकि एच यू यू आर लिया है इंडेक्स नंबर 8, यू आर होने के बाद आर एल लिया है इंडेक्स नंबर 9, आर एल होने के बाद एल वाई लिया, वापस एल को लिया है 10, और वाई बी लिया है 11, वाई बी होने के बाद बी यू लिया है, और यू आर नहीं लिया क्योंकि यू आर तो पहला हो चुका है, तो हमने यू आर एल लिया है, यू आर एल 13। तो आगे मैंने ये ब्लैंक क्यों रखा है? तो ये यू आर एल होने के बाद हमने वापस लास्ट से एल वाई लेना चाहिए, बरोबर। तो एल वाई तो हो चुका है पे, इसके लिए यहाँ पे कुछ ज़रूरी नहीं है, ओके। तो ये होने के बाद लेकिन एनकोड करके क्या सेंड करना है वो तो पता होना चाहिए। तो हमने ये, हमें सीक्वेंस था, तो ये नीचे जो मैंने रेड बॉक्स में लिखा है वो हमें एनकोडेड सीक्वेंस है, ये सिर्फ हमें ये इतना ही सेंड करना है, इंडेक्स नंबर। तो ये इसका एफिशिएंसी है, उसको स्पेस कम लगता है। तो ये एनकोडेड आउटपुट आया कैसे? क्योंकि एच के लिए 1 है इंडेक्स नंबर, यू के लिए 2 है, इसके लिए 3 है, 4 है, 5 है, 6 है बी के लिए, और यू आर के लिए 8 है तो इंडेक्स नंबर कम लगा, एल वाई के लिए, आर एल के लिए, सॉरी, यू आर के लिए 8 है, आर एल के लिए 9 है, आर एल के लिए 9 है, और एल वाई के लिए 10 है। तो ये हम हो गया एनकोडेड आउटपुट। अभी हमको देखना है डिकोडिंग। तो डिकोडिंग में सिर्फ ये सीक्वेंस को ही देखो, और कहाँ पे देखो मत, ये सीक्वेंस को देखो। ये सीक्वेंस के बाद हमें ये सीक्वेंस जनरेट करना है, तो हमें इतना पता होना चाहिए कि 1 2 3 4 5 6 को एक प्राइमरी हमने ये कंसिडर किया था, तो उस हिसाब से हम इसको ये लिखेंगे, ओके। तो 1 को H, 2 को U, 3 को R, 4 को L, 5 को Y, 6 को B। तो 7, 7 H U आएगा, क्योंकि दोस्तों 1 H तो हो गया, तो H U U R। यहाँ पे देखना ज़रूरी नहीं है, एनकोडिंग के टाइम हमें प्राइमरी पता है। तो इसके बाद H हो गया, तो H U के लिए क्या होगा? तो H U के लिए हमें कुछ तो लिखना पड़ेगा, तो H U हो गया। U R आया तो इंडेक्स नंबर 8 लिखेंगे, R L आएगा तो 9 लिखेंगे, और L Y आया तो 10 लिखेंगे। तो ये हमें, हमने डिकोडिंग के टाइम एक कंसिडर किया है। तो ये होने के बाद हम डायरेक्टली जाएंगे डिकोडिंग के लिए। तो 1 के लिए क्या है? एच है, 2 के लिए यू है, 3 के लिए आर है, 4 के लिए एल, 5 के लिए वाई, 6 के लिए बी, 8 के लिए यू आर, 9 के लिए आर एल। तो हमें एल ही लेना है क्योंकि रिपीट नहीं करना है, क्योंकि वो सीधा एक सीक्वेंस में है, 8 के बाद 9 आता है, बरोबर, और 9 के बाद क्या है? 10 है, तो 9 के बाद 10 है, इसके लिए एल एल नहीं लिया, वाई। तो ये हमें वापस सेम सीक्वेंस हमें डिकोडिंग करके मिल गया। तो ये था LZW। तो दोस्तों ये था LZW और LZ77 और LZ78 आपने देखा ही होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियो, क्योंकि डिक्शनरी कोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।